हेलो, वेलकम टू आईएमएस। आज हम यहाँ स्टार्ट करें सॉलिड वेस्ट का हम डिस्पोजल देख रहे हैं, जो रूरल और अर्बन एरिया के अंदर होता है अपना। ठीक है, तो अपना मेथड होते हैं कुछ सॉलिड डिस्पोजल के, मतलब वो डिस्पोजल के जो अपने रूरल और अर्बन दोनों में काम आते हैं। वो है, पहला तो अपना है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग मतलब होता है कि एक खुला एरिया देख लिया और उसमें कचरा डाल दिया। ये सही प्रोसेस तो है नहीं, लेकिन पहले के टाइम पे यही होता था। बदबू आती थी, मच्छर भी वहां पे निकलते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। तो ये इनलीगल प्रोसेस है, ये है ना। इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड ट्रैश हो गया घर का, या फिर कचरा हो गया, टायर हो गए, या फिर कोई जैसे कोई घर तोड़ा तो उसका सामान, उसका मलबा हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन किया उसमें कुछ बच गया, कंस्ट्रक्शन का जो वेस्ट बच गया वो हो गया, कुछ लकड़ी मतलब वो खराब लकड़ियां आने से, और अपना कुछ मेटल के टुकड़े, ये सब है ना, वो उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं रोड साइड के आसपास, जैसे कोई बड़ी रोड के आसपास में होते हैं, या फिर किसी ऐसी खाली जगह होते हैं जहां थोड़ा सा दूर हो, मतलब पब्लिक एरिया से थोड़ी दूर हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, ऐसी जगहों पे होते हैं। ठीक है, ये थ्रेट टू, ये सीधी सी बात है कि भाई अपने ह्यूमन हेल्थ के लिए तो बहुत बेकार होते हैं, एनवायरमेंट के लिए भी होते हैं वो। ये लैंड पॉल्यूशन फैलाते हैं, ये डिजीजेज, लैंड पॉल्यूशन, हर तरह की बहुत, तो इसलिए इनलीगल होता है ये ओपन डंपिंग। फिर अपना आता है कॉम्पोस्टिंग। कॉम्पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि हमारी कोई भी, जैसे खाद बनाना, कॉम्पोस्टिंग खाद बनाने के अंदर आ जाता है। ये क्या करता है कि कोई सी भी अपने जो किचन से निकला जो कचरा होता है, किचन से निकला कचरा, वो मोस्टली अपना क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल वही मटेरियल होता है वेस्ट का, नेचुरल है ना, उससे अपन खाद बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट कैरीड आउट अंडर कंट्रोल्ड एरोबिक। अब ये कह रहा है कि एक बढ़िया कंट्रोल एरोबिक एनवायरमेंट में हम कॉम्पोस्टिंग करते हैं जब, है ना, खाद बनाते हैं ना, तो फिर एरोबिक या एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर अपन बनाते हैं ना, तो वो अपना कॉम्पोस्टिंग होता है। ठीक है, ये इफिशियंट मेथड होता है अपना, ब्रेक डाउन करता है अपने म्यूटेटेड एंड एंड प्रोडक्ट विच इज बेनिफिशियल फॉर सॉइल एंड प्लांट्स। अब ये क्या, उसके अंदर जितने मतलब मटेरियल्स, ये जो होते हैं ना अपने कंपाउंड्स होते हैं जो भी अपने बायोलॉजिकल मटेरियल के, उनको ब्रेक डाउन करके उसका कॉम्पोस्टिंग करके, और जो भी अपने पास जो प्रोडक्ट आता है ना, लास्ट में जो प्रोडक्ट आता है अपने पास, उसको जो प्रोडक्ट होता है वो अपना मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए या फिर प्लांट्स में डालने के लिए अपना काम आता है। ठीक है, वो अपना कॉम्पोस्टिंग में आता है। लेस्ट अपना आता है लैंडफिल्स। अब लैंडफिल्स होता है, ये दूसरा होता है, ये अपना एरियल लैंड ऑन टू एंड विच आर वेस्ट डिपोजिटेड। अब ये क्या करते हैं कि जैसे वो ये कचरा जमा करने का, भाई कचरा या तो गड्ढा खोद के कचरा डाल दिया फिर उसको बंद कर दिया, या फिर गड्ढा खोद के कचरा डाल दिया, तो ये होता है लैंडफिल्स के अंदर होता है। ये अपन अवॉइड करते हैं ये वेस्ट कॉन्टेक्ट टू अंडरग्राउंड और सरफेस, क्योंकि क्या होता है कि जो अपना लैंडफिल होता है, अपन कचरा डालेंगे फिर उसमें दबा देंगे, तो वो बाहर तो नहीं आएगा लेकिन वो रिस्क के अंदर तो जा सकता है। भाई उसमें अगर कोई लिक्विड अगर वेस्ट होना तो रिस्क के अंडरग्राउंड वाटर में जा सकता है वो, या फिर आसपास की जो कोई भी वाटर वो है ना अपने, तो उसको पॉल्यूट कर सकता है वो अंडरग्राउंड तरीके से, है ना। तो इसलिए इनको बहुत अवॉइड किया जाता है लैंडफिल्स को। ठीक है, ये इन टाइप के वेस्ट के लिए किया जाता है मेनली। मिक्स्ड वेस्ट नॉट फाउंड इज सूटेबल फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग, ऐसे वेस्ट जिनको है ना अपन वेस्ट प्रोसेसिंग में नहीं कर सकते, सूटेबल नहीं है वेस्ट प्रोसेसिंग में। ये प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग वेस्ट होती है ये। ठीक है, ये नॉन हैजार्डस वेस्ट होते हैं ये, मतलब ये क्या है, मतलब नॉन हैजार्डस वेस्ट होते हैं ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते लेकिन ये ज्यादा फायदेमंद, ये कोई ऐसे भी नहीं कर सकते भाई, इसकी पोस्ट कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि बस वो कंबस्टन मतलब जला देना, है ना, कचरा जलाने का काम जो होता है ना, वो जो सबसे गलत होता है देखा जाए तो, ओपन डंपिंग ये जितने भी है देखा गलत होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल हो, जो कोई भी अदर सब्सटेंस होता है ना, उसको अपन जला देते हैं, इंसिनरेट कंबस्ट कर देते हैं उसको कंबस्ट करते हैं कंट्रोल्ड एयर के अंदर। ठीक है, ये कंट्रोल बर्निंग ऑफ वेस्ट एज हाई टेम्परेचर 1200 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनको कंबस्ट किया जाता है। ठीक है, वी स्टेरलाइज एंड स्टेबलाइज द वेस्ट इन एडिशन टू रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। अब क्या होता है, जब अपन वेस्ट को अपन जलाते हैं तो उसका वॉल्यूम में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है, मतलब उसकी जो वॉल्यूम है ना उसके अंदर रिडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसके अंदर जो भी मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है वो मतलब स्टेरलाइज होता है उसके अंदर जो वेस्ट होता है। अगर स्टेरलाइज का मतलब ये कि जो बैक्टीरिया है ना, अगर इतने हाई टेम्परेचर में सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है ना अपना, वो अपना इंसिनरेशन के अंदर आता है। ठीक है, ये फिर अपना आता है गैसिफिकेशन। अब गैसिफिकेशन क्या होता है, ये कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर एट हाई टेम्परेचर इनटू गैस। अब ये क्या करता है कि अपने जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, जैसे कार्बनिक मटेरियल हो गया, पार्शियली कार्बनिक या पार्शियली कंबस्टिबल, ये ऐसा करता है कि अपने जो भी मटेरियल होता है ना उसको
हाई टेम्परेचर में, मतलब कम से कम 700 से ऊपर ही जाता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, उस टेम्परेचर के अंदर उस मैटर को है ना वो डायरेक्ट गैस में चेंज कर देता है, और जो गैस अपनी जो निकलती है वो निकलती है अपने CO2 निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, विच इज यूज एज फ्यूल। अभी देखो अपनी जो होती है ना, जो मीथेन होती है ये अपनी फ्यूल की तरह यूज की जाती है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो गया, तो ये अपने फ्यूल की तरह यूज की जाती है, ठीक है अपना। और ये वेस्ट इन अंडर ऑक्सीजन डिफाइन कंडीशन टू प्रोसेस फ्यूल गैस। अब ये क्या है, ये भी जो अपना इंसुलेशन होता है ना, वो अपना ऑक्सीजन होती है वो एक डिफाइंड, मतलब ऐसा होता है कि ऑक्सीजन का कंट्रोल्ड ऑक्सीजन सप्लाई होती है इसमें इंसिनरेशन के अंदर, कि भाई डायरेक्ट गैस में चेंज हो तो उसी हिसाब से कंट्रोल्ड ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है कि भाई हम किस हिसाब से हमें क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। फिर हम आता है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल RDF है ना, ये क्या है, फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द कंबस्शन कंपोनेंट दैट इज इंडस्ट्री कॉल्स म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब ये क्या करता है, जो ये कंबस्ट करता है फ्यूल बनाता है, ये सॉलिड वेस्ट से फ्यूल बनाता है। जो सॉलिड वेस्ट कहाँ से आता है, वो सॉलिड वेस्ट आता है अपने इंडस्ट्रियल जगहों से, इंडस्ट्रियल म्यूनिसिपल अपने सॉलिड वेस्ट से जो आता है अपना, है ना। दिस यूजली वर्क यूजली टेक फ्रॉम द इंडस्ट्री कॉमर्शियल एंड इन शेडेड ड्राइड बेलन फाइनली बर्न टू प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या करता है, ये कहता है कि अपनी जो इंडस्ट्रीज होते हैं या कॉमर्शियल से होते हैं उनको क्या है, श्रेडेड कर देते हैं, मतलब उनकी या तो जो श्रेडिंग मशीन आती है ना उनको श्रेड कर देते हैं, या फिर उनको बिल्कुल सुखा के ड्राई करके फिर उनमें ऐसे प्रोसेस करते हैं, फिर उनको जला देते हैं ना, फिर जलाने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आते हैं वो, ठीक है। वो अपने को तो RDF होता है, वो अपना होता है डिस्पोजल आ जाता है अपने, किसके अंदर आ जाता है अपना, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के अंदर आ जाता है, जो अपना रूरल और अर्बन एरिया के अंदर होता है। तो अपना ये कितना होगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6 अपने पास मेथड हो गए अपने पास यहाँ पे, जैसे और भी होते हैं लेकिन मेनली अपन ये 5, 6 मेथड पढ़ते हैं, और ये 5, 6 मेथड अपने एग्जाम में भी आते हैं। तो आप इसके नाम से ही देखा जाए ना, तो आपको नाम से भी पता चल सकता है कि आपको क्या करना है यहाँ पे। ओपन डंपिंग समझ गए, कंपोस्टिंग भी समझ गए अपन, लैंडफिल का भी, ये ओपन डंपिंग और लैंडफिल में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। इंसिनरेशन भी है, फिर आपने फिर अपना गैसिफिकेशन आ गया, और अपना ये RDF, तो ये दो चीज है ना आपको थोड़ा बहुत देखनी पड़ेगी। ये क्या करता है, अपने मैटर को है ना, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्ट गैस में चेंज करता है, और ये भी क्या करता है फ्यूल के लिए, ये फ्यूल के लिए चेंज करता है, और ये भी क्या करता है उसको फ्यूल के अंदर चेंज करता है जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काम आती है, ठीक है। तो ये दो, ये अपना आ गया डिस्पोजल इन रूरल एंड अर्बन एरिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ पे अब एयर पोल्यूशन अपन चालू करेंगे, अपना सॉलिड वेस्ट जो है वो आज अपना यहाँ पे फिनिश हो गया है, अपनी लास्ट यूनिट चल रही है वो अपन करेंगे अभी इंट्रोडक्शन टू सॉलिड, वो अपना सॉइल पोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू वेरी मच।